Hello students, in this session we will continue with exercise 13.1, question number 4th. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. हमारे पास एक क्यूब शेप्ड का ब्लॉक है जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर हर एक साइड की और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है. अब हमें ये फाइंड करना है कि इस हेमिस्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है और फिर हमें फाइंड करना है इस सॉलिड का सरफेस एरिया. तो पहली बात, यहाँ से हमने हेमिस्फीयर बनाना स्टार्ट किया यहाँ तक और ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का डायमीटर, मतलब क्यूब की लेंथ और हेमिस्फीयर का डायमीटर दोनों सेम होंगे. क्यूब की लेंथ है 7 तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी हो जाएगा 7. सो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया के अंदर ये 1, पीछे 2, इस तरफ 3, इस तरफ 4 और एक बेस. क्यूब की 5 साइड्स आएगी और ये हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर पार्ट आएगा, स्फेरिकल पार्ट आएगा. नीचे का जो सर्कल होगा इसको आप सरफेस एरिया में कंसिडर नहीं करेंगे और क्यूब की ये वाली जो साइड होगी वो भी सरफेस एरिया में कंसिडर नहीं होगी. लेकिन हमारे पास क्यूब की 5 साइड के लिए कोई साइड फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब की 6 साइड के एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर इसमें से ये नीचे के सर्कल जो है इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स डू इट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी लाइक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. अब क्यूब के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L² फिर हेमिस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² और सर्कल का एरिया होता है πr². अब 6L² एज इट इज 2πr² माइनस 1πr², तो दैट विल बी इक्वल टू ओनली 1πr². साइड की लेंथ 7 है, पाई. अब आर मतलब रेडियस, तो डायमीटर हमारा 7 हो गया है. देखो डायमीटर इज 7, तो मीन्स रेडियस हो जाएगा 7/2. सो यहाँ पे आएगा 7/2 टू टाइम्स. गॉट इट? नाउ फर्दर, 6×49, पाई विल बी लाइक 22/7, 7/2, 7/2. ये 7 और 7 कट, 2×11, दैट इज 22. Now 6×49, so 6×9 = 54, 6×4 = 24 plus 5 = 29, 294 plus 11×7, that is 77 upon 2. On further solving it we will have 294 plus 77 upon 2, yani ki 2×3 = 6, 1×7, 2×8 = 16, 1×0 = 25, that is 38.5. अब 294 और 38 का प्लस करना है. 294, 38, 8+4 = 12, 13, 3 and 0.5. So this is 332.5 cm². That will be the area of solid. Got it?